नमस्कार साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल सोलूशन कलाम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से वोटर हेल्पलाइन में लॉग इन करेंगे, NVSP में लॉग इन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन। जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद सर्च करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। ये लोगो देख लें, इसी को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी सेम कर लेना है। वीडियो को लाइक कर देते नहीं किया तो अच्छा से कमेंट भी करें। आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपने कहीं फॉर्म भरने के लिए चाह रहा होगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, या फिर आप नहीं जानते होंगे कैसे यूज करेंगे, तो पूरी जानकारी दी जाएगी। अब इसे ओपन पर क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। आपको सेम करना है, ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको और कंप्लीट आप सीख लेंगे। रनिंग होने के बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, नीचे देख रहे हैं आप, एग्री का, आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आपको कोई भी लोगों को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप जानते हैं, हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। फिर गेट स्टार्ट नीचे पर क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर जैसे कि आप फॉर्म, कोई फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर आ गए। फॉर्म भरने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप नया नाम जोड़ने या सुधारने के लिए कुछ भी के लिए फॉर्म अगर भरते हैं, तो सपोज़ फॉर्म नंबर 8 भरते हैं हम सुधारने के लिए, ठीक है। इस पर आने के बाद सिंपली क्या होता था पहले कि मोबाइल नंबर फिल करते थे, अभी भी करके देखेंगे हमको, आपको हम उसके बाद OTP आता था। OTP डालने के बाद हम क्या करते थे, आगे का काम करते थे, या फिर यहाँ पर क्या करते थे कि स्किप लॉगिन पर क्लिक करके हम बिना लॉगिन किए हुए काम कर सकते थे। लेकिन पुनः फिर जब आते हैं फॉर्म में तो वही ऑप्शन आता है सेम, तो नंबर डाल करके सेंड OTP पे क्लिक कर लेते हैं। आपको वेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक नया ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि उस वक्त क्या होता था पहले कि OTP आने के बाद यहाँ पर OTP फिल करके हमें क्या करना होता था, नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ता, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा था, पासवर्ड कहाँ से। आप स्किप लॉगिन पर क्लिक करके पहले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी बिना लॉगिन के आगे नहीं भर सकते, ये नया अपडेट आया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ता है, इसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए। तो न्यू यूज़र हैं जो नए, मतलब जिसके पास पासवर्ड नहीं है, मतलब NVSP यहाँ से जो हम लॉगिन करेंगे ना, तो NVSP द नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जो है लॉगिन करेंगे, तो न्यू यूज़र यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेंगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है OTP आएगा आपके नंबर पर, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब इस ये नंबर जो है मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक नंबर आप वन टाइम ही रजिस्टर कर पाएंगे, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन इसके बाद मान के चलिए OTP आने का क्या प्रोसेस आएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपके सामने क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे OTP फिल करना है, पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है और पासवर्ड कंफर्म करना है। तो पासवर्ड क्या रखेंगे वो भी बताएंगे। यहाँ पे पासवर्ड का पैटर्न दिया गया है, सिंपली आपको करना है कि आपको जो भी नाम है या कुछ जगह का नाम, जैसे मान के चलिए मेरा नाम कलाम है, तो फर्स्ट लेटर एक हम बना लेते हैं, बाकी छोटा कि ALAM कलाम ले लिए। अब @ या हैज स्पेशल करेक्टर के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिट कोई भी अंक ले लेंगे, इस तरह का करें जो सेम यहाँ पर फिल करना है और यहाँ फिल करना है। फिर आपको करना है क्या है, सबमिट पर करेंगे तो सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा, अब पुनः लॉगिन कर पाएंगे। तो कैसे लॉगिन करेंगे, मान के चले सबमिट हो गया सक्सेसफुली, तो हो सकता है कि आपका जो है मतलब पासवर्ड आपने रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा होगा, तो आप क्या करेंगे फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आ जाएंगे। वही ऑप्शन आपको बता देते हैं, यहाँ पर नंबर फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे OTP फिल करना है, फिर पासवर्ड जिस तरह क्रिएट करने के लिए आपको पता है, सेम प्रोसेस से पासवर्ड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हम पुनः लॉगिन करने में चलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली वही करना है आपको, कोई भी काम करेंगे जैसे कि फॉर्म 8 हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर फिल कर लेना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। आपके नंबर पे OTP आएगा है, OTP फिल करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया मतलब लॉगिन किया है वो पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हम कोई भी फॉर्म जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन पर आ गए, फॉर्म नंबर 6, 7 कुछ भी में क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन मतलब और नहीं मांगेगा, सिर्फ रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वोटर ID नंबर ये सब डिटेल्स डाल करके क्या करेंगे, अगला प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ तक हो गया लॉगिन करने का प्रोसेस, तो इसी तरह यूज होता है। अब आपको नया नाम जोड़ना है, सुधारना है, कुछ भी करना है, तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, मेरे चैनल पर भी है कि वोटर हेल्पलाइन से रिलेटेड वीडियोज, जिससे आप नाम जोड़ना, सुधारना या अनकाम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।